उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पुरोला में लव जिहाद के विरोध में बुलाई गई महापंचायत नहीं हो पाई क्योंकि प्रशासन से महापंचायत की इजाजत नहीं मिली। 26 मई को नाबालिग के अपहरण की कोशिश के बाद गरमाए लव जिहाद के मुद्दे पर उत्तरकाशी के पुरोला में तनाव बढ़ गया था। वहां एक खास समुदाय के कई लोगों ने पलायन कर दिया। इस बीच लव जिहाद के विरोध में प्रदर्शन भी होते रहे और पुरोला में हिंदूवादी संगठनों ने महापंचायत बुलाई, लेकिन प्रशासन की इजाजत नहीं मिलने की वजह से महापंचायत नहीं हो पाई। प्रशासन ने पुरोला में धारा 144 लागू कर दी और महापंचायत से 24 घंटे पहले से ही उत्तरकाशी में फ्लैग मार्च शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं तमाम दुकानें जो है वो बंद की गई हैं, तमाम पुलिसकर्मी जो है वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं। हालांकि कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोग महापंचायत वाली जगह पहुंचे और वहां नारेबाजी करके लव जिहाद का विरोध किया। लव जिहाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इससे पहले जगह जगह पर हिंदूवादी संगठनों को महापंचायत में जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद ये लोग सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इस बीच यूरोप के देश और एक दूसरे के दुश्मन सर्बिया और कोसोवो में जंग छिड़ने के आसार काफी ज्यादा बढ़ गए। पिछले कुछ वक्त से दोनों के बीच मामला गरमाया हुआ है। ऊपर से अब सर्बिया ने कोसोवो के 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करके आग में घी डालने का काम कर दिया, जिसके बाद यूरोप में यूक्रेन के बाद एक नई और उससे भी भयानक जंग भड़कने की आशंका गहरा गई, क्योंकि सर्बिया रूस का दोस्त है और कोसोवो के साथ नेटो और अमेरिका खड़े हैं। यानी अगर सर्बिया और कोसोवो भिड़े तो हो सकता है कि रूस और नेटो भी लड़ पड़े और तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। कोसोवो पहले सर्बिया का ही हिस्सा था, लेकिन 2008 में उसने खुद को एक आजाद देश घोषित कर दिया था, पर सर्बियो कोसोवो को आज भी अपना ही हिस्सा मानता है। यही बात दोनों के बीच विवाद की जड़ है। अब कोसोवो कह रहा है कि सर्बिया का सुरक्षा बल उसकी सीमा में घुसकर उसके 3 पुलिस वालों को उठाकर ले गया, मगर सर्बिया का कहना है कि उसके सुरक्षा बल ने कोसोवो में एक कदम भी नहीं रखा। इधर LDA यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लखनऊ में मौजूद अवैध इमारतों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद लेनी शुरू कर दी। बताया गया कि इन ड्रोन के जरिए लखनऊ के कई इलाकों में मौजूद इमारतों का डिजिटल नक्शा बनाया जाएगा, और अगर किसी ने अवैध तरीके से इमारतों को बढ़ाने की कोशिश की तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। LDA यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक इन इलाकों में मौजूद इमारतों के नक्शों को सरकार की तरफ से पास किए गए नक्शों से मिलाया जाएगा, जिसके बाद अतिक्रमण कर बनाए गए हिस्सों के लिए नोटिस जारी होगा। जैसे ही उड़ेगा और जैसे ही अवैध निर्माण को अपने ड्रोन में कैद करेगा, उसके बाद LDA की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण का दावा है कि ड्रोन की मदद से रेकी करने से उनका काम आसान हो जाएगा, जिसके बाद अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाने में भी आसानी होगी। उधर यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि ज़ेलेंस्की की फौज ने लुहांस के एक इलाके में रॉकेट और बमों की बारिश कर रूसी सेना की एक यूनिट तबाह कर दी। खबर है कि हमला रूसी कमांडर के भाषण से कुछ ही देर पहले किया गया, और जिस वक्त यह हमला हुआ वहां रूसी सेना के जवानों के साथ कई लोग भी इकट्ठा थे। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक उन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए रूसी सेना के कमांडर भाषण देने ही वाले थे कि यह हमला हो गया। ज़ेलेंस्की की सेना ने आसमान से रॉकेट और बमों की ऐसी बारिश की कि रूसी सेना की यूनिट पूरी तरह तबाह हो गई। खबर है कि रूस के कई नागरिक भी इस हमले की चपेट में आकर मारे गए। लुहांस्क में जिस जगह यह हमला हुआ वो इलाका रूस के कब्जे में है, और यूक्रेन की सेना को भगाने के बाद वहां रूस अपने नागरिकों को बसाने में जुटा है। इधर आंध्र प्रदेश के विशाखपट्टनम से सांसद की पत्नी और बेटे को अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, और विशाखपट्टनम से सांसद MVB सत्यनारायण की पत्नी और बेटे को अभर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया गया। पुलिस के मुताबिक सांसद की पत्नी और बेटे को अगवा कर लिया गया था और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। बताया गया कि जब सांसद MVV सत्यनारायण के करीबी किडनैपर को पैसा देने गए तो उनको भी अगवा कर लिया गया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और सांसद की पत्नी, बेटे और उनके करीबी को छुड़ा लिया।